नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं सोनू और चलते हैं आज वीडियो शुरू करते हैं। आज है मंडे का दिन, 26 अगस्त है और सुबह का टाइम है अभी, और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। भाई हमारी गाड़ी साफ कर रहे हैं, यूपी 83 नंबर गाड़ी है और अपना साफ करे जा रहे हैं फटाफट। भैया काम मद्दा हो या सही हो या बढ़िया हो, लेकिन गाड़ी हमेशा चकाचक होनी चाहिए। इसीलिए हर कोई अपनी गाड़ी सुबह सुबह चमका के घर से बाहर निकलते हैं। गाड़ी साफ होती है तो गाड़ी को चलाने का मजा ही कुछ और आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज अभी तक मैंने दो ट्रिपें करी हैं सुबह सुबह। आज है जन्माष्टमी, इसलिए शायद सरकारी छुट्टी है और मार्केट में काम बिल्कुल नहीं है, मतलब ना के बराबर है। पर आज देखेंगे कितनी ट्रिप मारेंगे। बहुत दिन के बाद ये अर्निंग वीडियो आएगी। ऑनेस्टली आपको बताऊंगा कितनी ट्रिप पे कितना पैसा मिला और हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मजे करते हैं, गाड़ी चलाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो भैया अभी साकेत मॉल पे खड़े थे अपन और यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम है, मॉल से ड्यूटी बजना नामुमकिन है। लोग अभी ड्यूटी पे आ रहे हैं यहाँ पे अपने काम पे, और आज तो घूमने फिरने वाला दिन है, लेकिन दिल्ली के लोग थोड़ा देर सो के उठते हैं, इसलिए हो सकता है ड्यूटी यहाँ से अभी ना आए। थोड़ा मैं कॉलोनी की तरफ चलता हूँ, वहाँ से ड्यूटी बचने का पूरा चांस होता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ मालवीय नगर निकल जाऊँ, अच्छा रहेगा। छुट्टी का दिन है, पता नहीं दोस्तों कहाँ सारी ड्यूटियाँ भाग गई। अभी अपन खड़े हैं मालवीय नगर में और पिछले लगभग 45 मिनट एक घंटे से कोई ड्यूटी नहीं आई, चारों तरफ टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं। आज छुट्टी के दिन ऐसे ही होता है दिल्ली में, पूरी रोड सुनसान और काम धाम खत्म। तो ये है एयरपोर्ट की पार्किंग और अभी मैं एयरपोर्ट पर हूँ। आप देख रहे हैं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऊबर की पार्किंग है ये, और मैं वहाँ था क्या कहते हैं मालवीय नगर से मैं गया करोल बाग 276 रुपये में, और 300 रुपये में आके मैं एयरपोर्ट आ गया। अभी एक ड्यूटी आ चुकी है नेताजी नगर की, तो उसको लेने जा रहा हूँ मैं, बच गई ड्यूटी। गाड़ियों का तादाद देखिए दोस्तों, टर्मिनल 3 पे दोस्तों ये है अपना ऊबर पिकअप जोन, जहाँ से हम ऊबर के कस्टमर को उठाते हैं। पर्सनली ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं लोग और यहीं से हम पिक करते हैं कस्टमर को। सो दोस्तों अभी बैठे अपना हम GK1 में और इंतज़ार कर रहे हैं कोई ड्यूटी आ जाए। आज काम में मध्या है बहुत ज़्यादा, बिकॉज सरकारी छुट्टी भी है आज। सो एयरपोर्ट से आने के बाद सहिता विहार गया, सहिता विहार से फिर इधर आ गया। सहिता विहार लगभग 180 रुपये का जाने के मिलते 12 किलोमीटर के, और 11 किलोमीटर आने के 193 रुपये मिले हैं रैपिडो में। तो ओवरऑल रैपिडो अच्छा भाड़ा दे रहा है, बट अगर ऊबर की बात किया जाए तो ऊबर का वही चल रहा है अपना, ना कोई फेयर बढ़ा है ना कुछ बढ़ा है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोटेस्ट के बाद, स्ट्राइक के बाद कोई भाड़ा बढ़ा, तो वो ना के बराबर है और बहुत ही गंदा रेट है ऊबर का, बहुत ही बेकार चल रहा है। ऊबर की छोटी मोटी ड्यूटियों में ठीक ठाक रेट मिलता है, लेकिन लंबी ड्यूटी में बहुत बेकार रेट मिलता है। तो अभी इंतजार ही कर रहे हैं यहाँ पे कोई ड्यूटी आ जाए तो लेके निकलें। बाकी काम देखा जाए तो XCNG में आज काम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है, आज तो बहुत ज़्यादा खराब दिन चल रहा है। चलिए देखते हैं लास्ट में कितने का काम होगा और कितने का काम करके जाएंगे, आपको पूरा अपडेट करेंगे इसी वीडियो में। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। दोस्तों रात के भी 8:30 बज रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि मैं GK था, GK से मैं मुनिरका गया एक राइड लेकर। मुनिरका से फिर मैं CP चला गया 250 रुपये में, और CP से मैं आ गया अपना DLF साकेत, और साकेत से अभी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आया हूँ। तो ओवरऑल काम देखा जाए तो 10 घंटे मैं गाड़ी चला चुका हूँ प्रॉपर, और गाड़ी 150 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है, और इसमें फर्स्ट सिलेंडर तो CNG ख़त्म हो गया, दूसरा सिलेंडर डल चुका है। ओवरऑल काम की बात किया जाए तो 2250 रुपये का काम हुआ है। मतलब आज बहुत ही ज़्यादा मद्दा दिन है, और क्योंकि छुट्टी है, सरकारी छुट्टी भी है और जन्माष्टमी भी है, तो लोग अपने घर पर हैं।